नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पल्लवी और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ केसरी हलवा, जो कि रावा केसरी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपका कुछ मीठा खाना मन करे तो आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगते है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन क्लिक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो आइए रावा केसरी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पैन को गैस पर रख दिया है मैंने। अब इसमें जा रहा है 4 टीस्पून घी, 4 टी स्पून घी को लो फ्लेम पर मेल्ट होने दें। तो आप देख सकते हैं घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें जा रहा है 15 से 20 काजू नट्स, 15 से 20 किशमिश। तो इसे गोल्डन होने तक लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं किशमिश फूल चुकी है और ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसे हम बोल में निकाल देंगे और इसे साइड में रख देंगे। तो आप चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। सेम पैन के अंदर हम डाल देंगे 1 कप सूजी। इसे हम लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सूजी अच्छे से भून चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे प्लेट में निकाल देंगे और इसे साइड में रख देंगे। तो आप चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया है। अब इसमें जा रहा है 2.5 कप के करीब पानी। पानी को गर्म होने दें। अब इसमें जा रहा है 2 टेबल स्पून सेफ्रन वाटर। अच्छा जा रहा है फ्राई करके रखा सूजी। इसे मिला दे अच्छे से ताकि सूजी के अंदर कोई भी गुठली ना रहे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ढक कर लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन काटा है मैंने। इसे अच्छे से मिला दे। तो आप देख सकते हैं सूजी के अंदर सारे पानी एब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब इसमें जा रहा है 1.5 कप के करीब चीनी। चीनी आप आपको टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिला दें। तो आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब इसमें जा रहा है फ्राई करके रखा काजू किशमिश, साथ साथ जा रहा है 1/4 कप के करीब घी। तो सारे चीजों को अच्छे से मिला देती हूँ। अब इसमें जा रहा है 1/2 टी स्पून इलायची पाउडर। इसे भी अच्छे से मिला दें। इलायची पाउडर डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाते हैं। तो यह अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा सूजी का हलवा तैयार है।
तो अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम सर्विंग बोल में निकाल देंगे। तो सर्विंग बोल में निकाल दिया है मैंने, और इसे हम सर्विंग प्लेट के ऊपर रख देंगे और इसे हम काजू से गार्निश कर देंगे। तो देखिए हमारा केसरी सूजी यानी कि सूजी के हलवा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। आप आपको गेस्ट के लिए या फिर बच्चों के लिए इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।